गुड मॉर्निंग, वेलकम टू माय ऑनलाइन क्लास क्लेवर और एसएस। हम सब लोग जानते हैं कि होमर ग्रीक या यूनान के महानतम कवियों में से एक थे। ही रोट द फेमस एपिक ओडिसी एंड क्रिएटेड द कैरेक्टर ऑफ द लेजेंडरी ग्रीक हीरो ओडिसेस। उन्होंने प्रसिद्ध महाकाव्य ओडिसी की रचना की और एक प्रसिद्ध नायक या यूनानी योद्धा ओडिसिस की भी कल्पना की, जिसने एक आंख वाले दानव पॉलिफेमस को युद्ध में मात दी थी। ये कहानी कुछ इस प्रकार है कि लंबे समय पहले यूनान में यूनान वासियों ने ट्रॉय में हमला किया और ये युद्ध ट्रोजन वार के नाम से जाना गया, जो कि 12 वर्षों तक निरंतर चलता रहा। ओडिसियस इन युद्धों में एक महान बहादुर योद्धा के रूप में लोगों के सामने आया और युद्ध के पश्चात ओडिसियस अपने साथियों के साथ ट्रॉय को छोड़कर एथाका अपने गृह क्षेत्र के लिए चल दिया, लेकिन उन्हें रास्ते में कई बाधाओं का सामना करना पड़ा। इसके पश्चात वो अपने परिवार से मिल सके। काफी दिनों तक समुद्र में लंबी यात्रा करने के पश्चात उन्हें एक बहुत खतरनाक और भयानक समुद्री तूफान का सामना करना पड़ा और इस तूफान ने उनके समुद्री जहाज को बहाकर दूर एक वीरान टापू में छोड़ दिया था और ये टापू साइलोकस नामक राक्षस की भूमि थी। साइलोकोपस एक आंख वाला दानव था जो कि इन टापुओं की समृद्धशाली उपजाऊ जमीन में अपने भेड़ों और बकरियों को चराकर अपना जीवन व्यतीत करता था। साइलोकोपस का परिवार पहाड़ियों पर गुफाओं में रहता था। ओडिसियस के अंदर एक इच्छा है कि वो इन साइलोकोपस के पास जाए और इनकी दिनचर्या को देखे। वो अपने साथ कुछ रोमांचकारी बहादुर योद्धाओं को अपने साथ ले गया। ओडिसियस और उसके साथी गुफा में गए। उनके पास काफी समय था, उन्होंने गुफाओं को बारीकी से देखा, क्योंकि उस समय साइलोकोपस दानव बाहर अपने भेड़ बकरियों को चराने के लिए गए हुए थे। ओडिसियस ने वहां पर आग लगाई और आराम से साइलोकोपस के पनीर के भंडार को की दावत उड़ाई। जब अंधेरा होने लगा तो उन्होंने भारी कदमों की आहट सुनी गुफा के अंदर और शीघ्र ही एक विशाल राक्षस नुमा दानव, जो कि एक पहाड़ी की तरह ऊंचा था, उसने उस गुफा में प्रवेश किया। उसको देखकर ही ओडिसियस और उसके आदमी गुफा रेंग कर गुफा के सबसे अंधेरे वाले कोने में छिप गए। वो विशाल साइलोकोपस दानव अपने साथ लकड़ियों का एक गट्ठर लेकर आया था। साइक्लोस अपने साथ भेड़ों को बकरियों को भी लेके आया था गुफा के अंदर, जिनका दूध दूहकर वो अपना भोजन करता था। जबकि इन की जो नर बकरे थे और भेड़ थी वो बाहर वो दीवार के एक ऊंची दीवार के घेरे में उनको बांध देता था। और एक बार साइलोकोपस इस प्रवेश द्वार के अंदर आया तो उसने एक विशाल काय जो पत्थर जिससे वो उस गुफा को बंद करता था उसको हटाकर अलग किया रखा और ये पत्थर इतना भारी था कि उसे उस समय के 20 से भी अधिक बैलगाड़ियां खींचने में असमर्थ थी। साइलोकोपस ऊंची ऊंची आवाज में गुफा में आहट सुनकर चिल्लाया, यहां पर कौन अजनबी मेरी गुफा में शरण लिए हुए है, बताओ किस कारण आप मेरी गुफा में आए हो।
हालांकि उसके शब्दों को सुनकर सभी डर गए और इससे उसने थोड़ी सी हिम्मत जुटाई और उसने साइक्लोपस के जवाब प्रश्न का जवाब दिया। हम यूनान वासी जो कि ट्रॉय से वापस आ रहे हैं, यहाँ पर तो समुद्री हवाओं ने तूफानों ने हमें बहाकर इस द्वीप में पहुंचा दिया है और यूनानी देवता जियस के नाम पर हम आपसे विनती करते हैं कि हम आपके मेहमान हैं। और इसके इस प्रश्न के जवाब में उस राक्षस का एक दानव साइक्लोपस ने उसके दो आदमी उठाया और उन्हें पटक कर उन्हें कच्चा ही निकल गया, हड्डी समेत उन्हें खा गया। और फिर उसने ऊंची आवाज में डकार लेते हुए कहा, आई एम प्लोफिमस द लीडर ऑफ साइक्लोपस, मैं प्लोफिमस दानव हूं जो कि साइक्लोपस पस का नेता हूं या मुखिया हूं, एंड आई शैल ट्रीट यू एज आई चूज, और मैं तुम्हारे साथ वैसा ही व्यवहार करूंगा जैसा मैं चाहूंगा। ही देन ले डाउन ऑन द फ्लोर टू स्लीप अमंग हिज शीप्स, और फिर वो अपने भेड़ों के साथ फर्श पर लेट गया। और ओडिसियस मैन स्पेंट ए स्लीपलेस नाइट, उस दिन उस रात ओडिसियस और उसके आदमियों को एक बेचैनी भरी रात गुजारनी पड़ी। वो रात भर न सो पाए, मॉर्निंग फॉर देयर फ्रेंड्स एंड अवेटिंग द डॉन ऑफ इनिशियल फ्लाइट, और अपने मित्रों का विलाप करते हुए और सुबह या भोर के होने का इंतजार करते हुए। ओडिसियस माइंड वॉज एट वर्क टू ट्राई एंड डिवाइस ए प्लान टू गेट रिड ऑफ पॉलिफेमस, और ओडिसियस के दिमाग में तरकीब चल रही थी कि किस प्रकार पॉलिफेमस का से छुटकारा पाया जा सके। फॉर अ मोमेंट थॉट अकर्ड टू हिम दैट हिज माइटी शोल्ड कुड स्ले द साइक्लोपस इन स्लीप, उसके दिमाग में आया कि उसकी विशाल काय तलवार से वो साइक्लोपस दानव को सोते समय काट सकता है। बट इंस्टेंटली ही रिमाइंडेड हिमसेल्फ दैट एंट्रेंस टू द केव वाज बार्ड बाय दैट ह्यूज स्टोन, लेकिन तभी से ध्यान में आया कि उस गुफा का द्वार तो एक विशाल काय पत्थर से बंद है जिसको हिलाना असंभव है। अगर पॉलिफेमस मर गया तो वो और उसके आदमी भी गुफा में बंद होकर एक बहुत बुरी मौत मर जाएंगे। एज डॉन स्टोन फोर्थ, जैसे ही भोर हुआ पॉलिफेमस वो पॉलिफेमस जागा। एज सून एज इज माइंड विल्ड हिज एनिमल्स, जो ही उसने अपने पशुओं का दूध निकालना पूरा किया, ही डिवोट टू मोर ऑफ ओडिसियस मैन फॉर आवर ब्रेकफास्ट, तो उसने ओडिसियस के दो और आदमियों को पकड़कर कच्चा ही नाश्ते में खा गया। मोइंग द स्टोन एट एंट्रेंस क्वाइट एफर्टलेसली, और बिना ही कोई ज्यादा मेहनत किए या मशक्कत किए उसने उस गुफा के द्वार में रखा हुआ विशाल काय पत्थर हटाया। एंड देन ही रिप्लेस्ड द स्टोन फॉर बिफोर हेडिंग फॉर द पास्चर्स, और इस वेस्टेड नो टाइम इन सर्चिंग केव थॉरली, और फिर चरागाह में जाने से पहले उसने गुफा के दरवाजे को फिर से बंद कर दिया। और इसने इस समय गुफा की बड़ी पूरी बारीकी से छानबीन की, उसे उम्मीद थी कि उसे कोई चीज ऐसी मिल जाएगी जिससे वो विशाल काय पॉलिफेमस को मात दे पाएगा। इन वन कॉर्नर ऑफ द केव ही फाउंड ए लॉन्ग ग्रीन ओलिव वुड स्टाफ, और उस गुफा के कोने में उसने एक लंबा हरा अंजीर के लकड़ी का एक लट्ठा देखा, विच बिलोंग टू साइक्लोपस, जो कि साइक्लोपस दानों का था। और इसे कट ऑफ द फैंटम लेंथ ऑफ द स्टाफ विद हिज शोल्ड, और इसने अपनी तलवार से उस लट्ठे को बड़ा नोकीला बनाया और उसको एक छो से इतना नोकीला कर दिया, फिर उसको ले जाकर उसने लट्ठे को आग में तपाया ताकि उसकी नोक और धार और पैनी हो जाए। ओडिसियस प्लान टू ब्लाइंड द साइक्लोपस एज ही ले एस्लीप दैट नाइट, ओडिसियस की तरकीब थी कि जब वो दानव रात में पुनः फिर से आएगा उस गुफा के अंदर तो वो उस दानव की आंख को मैं वो लट्ठा भोंक कर उसे अंधा कर देगा। नेक्स्ट वीडियो में हम क्लेवर ओडिसियस की इस कहानी को पूरा करेंगे। टिल देन गुड बाय।